नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज टेक कंपनी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज टेक कंपनी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त रविराज। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आपको मैं पिछली वीडियो में टूल्स और सिप्स के बारे में बता चुका हूं और ये हमारी पेंट सीखने की सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। अगर आपने पुरानी दो वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं थर्ड वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे आउटलाइन और बहुत। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आउटलाइन का यूज़ कैसे करते बताता हूँ मैं। तो जैसे हमने कोई शेप्स बनाई, जैसे मान लीजिए मैंने सर्कल लिया, सर्कल लेने के बाद यहाँ सिलेक्ट किया। अब देखिए ध्यान से पीछे बैकग्राउंड में क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे आया, फिल के ऑप्शन से। अभी मैं नो फिल करूँगा तो कुछ नहीं आ रहा, नॉर्मली हमारा सर्कल बन गया। जैसे सर्कल बनाया, अब उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा फिल पे। फिल कौन सा कलर है यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, ब्लू है। अब जो भी सिलेक्ट करेंगे, सॉरी वो कलर नहीं है, जिससे आप फिल पे गए, यहाँ पे नो फिल है तभी नो फिल है। और जैसे आप सॉलिड पर क्लिक करेंगे तो सॉलिड मतलब पीछे बैकग्राउंड में जो कलर है हमारा पेज के पीछे वो आया, वाइट कलर आता है तो वाइट है। और यहाँ पे ले जाके आप क्रेयन करेंगे तो क्रेयन जैसा दिखेगा पीछे, ठीक है। आपको ये पीछे जो शेप दिख रहा क्रेयन जैसा दिखेगा, इसलिए ये मार्कर है, ये ऑयल है, ऑयल कैसा दिखेगा। तो बहुत सारे कलर है, आपको जो भी इफेक्ट है जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं अपने पेंटिंग में यूज किस भी तरीके से। तो ये हमारा फिल का ऑप्शन है और ऊपर है आउटलाइन। आउटलाइन मतलब कि जो सर्कल के जो बाहर की जो आउटलाइन है ये ग्रीन कलर की, ये इसको आउटलाइन बोलते हैं। तो अगर आपको आउटलाइन को भी ऐसे इफेक्ट देना है तो देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्रियन दिया तो अब मेरी आउटलाइन क्रियन हो गई। जैसे मैं यहाँ से जूम करके आपको बताता हूँ, ये क्रेन हो गई। तो यहाँ फिर से एक नया सर्कल लेता हूँ, आउटलाइन भी इस कलर की हो गई, ठीक है। तो और आपको जो भी करना है कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए आप चेंज कैसे आ रहा, इसी प्रकार से नीचे फिल में भी आप कर सकते हैं। तो ये बस इसका यही यूज है। और यहाँ से साइज, वही साइज आपको पता है, साइज बड़ा छोटा करने का सिस्टम। जो आउटलाइन है सर्कल है, सर्कल की आउटलाइन है, यहाँ से आप सर्कल की आउटलाइन का साइज़ भी बड़ा कम कर सकते हैं। अभी मान लीजिए सर्कल की आउटलाइन कितनी चौड़ी है, यहाँ से थोड़ी और सक्रिय, थोड़ी और ऐसे करके आप सक्रिय कर सकते हैं। ये कलर है आउटलाइन का, जो भी कलर सिलेक्ट करेंगे वो कलर हो जाएगा आउटलाइन का। देखिए कलर चेंज हो रहा, अब नीला हो गया, ठीक है। और ये जो कलर टू है ये इसके अंदर का कलर है, जो भी आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर वो कलर हो जाएगा। मान लीजिए मेरे को एक सूरज बनाना है, तो सूरज बनाने के लिए मैं इसका बैकग्राउंड जो कलर है कलर टू, कलर वन आउटलाइन का कलर है, कलर टू इसके अंदर का कलर है। तो मान लीजिए मुझे कलर टू सिलेक्ट करके सूरज बनाना है, तो मैं सूरज किस कलर का बनाऊंगा, मैं येलो कलर का सूरज बनाऊंगा। इसको यहाँ से वापस छोटा किया, इधर साइड में मैंने यहाँ से एक सूरज बना दिया, ठीक है। तो ऐसा यूज कर सकते हैं आप। तो दोस्तों हमने टूल्स शेप के बारे में सीख लिया, साइज कलर के बारे में सीख लिया। अब कलर तो आपको पता ही है। और एक बात और दोस्तों, अगर आपको कोई सा कलर जो चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिल रहा, इसमें नहीं है और आपको ज़रूरी है वो कलर, वही वाला कलर चाहिए, तो आप यहाँ पे एडिट कलर में जाके वो कलर बना भी सकते हैं। कैसे बनाते हैं तो कलर बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे एडिट कलर्स पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे एक बॉक्स खुल जाएगा, इसके अंदर बहुत सारे कलर है। तो आप जैसे मान लीजिए मुझे एक रेड और ऑरेंज, ऑरेंज कलर बनाना है, ठीक है, ऑरेंज और थोड़ा रेड टाइप का ऑरेंज बनाना है। तो मैं इसको ये कलर का जो कर्जर इसको उठा के मैं ले जाऊँगा थोड़े रेड टाइप के ऑरेंज पे। यहाँ जैसे ले जाऊँगा नीचे, देखिए नीचे वाले बॉक्स में, ये वाले बॉक्स में चेंज हो रहा। तो जैसे ले जाऊँगा चेंज हो रहा, उसके बाद मैं इधर साइड वाले से कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। ऊपर ले जाऊँगा हल्का, थोड़ा और हल्का, नीचे ले जाऊँगा डार्क। तो ऐसा मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं ग्रीन पे गया, ये वाला कलर मान लीजिए मुझे बनाना है, जैसा भी मुझे कलर बनाना है पिंक। अभी ऊपर देखिए यहाँ बॉक्स में कहीं भी आपको पिंक का कलर नहीं दिख रहा डार्क, तो मैं यहाँ डार्क पिंक पिंक यहाँ से ले जाके इसको बना लेता हूँ। ये बन गया कलर, अब इसको क्या करना है, ओके करना है। तो ओके जैसे ही करेंगे आपका कलर यहाँ नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया। लेकिन अभी ये कलर टू पे है, मतलब बैकग्राउंड में, हमको वन में चाहिए। अब इसके बाद आप कोई भी चीज़ बनाइए वो पिंक कलर की आएगी, देखिए। तो यहाँ से आप ऐसे कलर बना सकते हैं। तो दोस्तों हम टूल्स, शेप्स और कलर्स के बारे में एक्सपर्ट हो चुके हैं, इनके बारे में हमको A to Z पता हो गया है। अब इस सीरीज में पूरा हमने ये सीख लिया है अभी तक। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे मैं बताने जा रहा हूँ नई चीज़।
क्लिपबोर्ड और इमेज, यहाँ इसका कैसे यूज करते हैं। अभी हमने गलत तरीके से शुरुआत, गलत नहीं, एक अलग तरीके से शुरुआत की। पहले हमने ये सीखा, उसके बाद हम ये सीख रहे हैं। तो कोई आदमी आते पहले कोई, तो दोस्तों हम टूल्स और शेप्स और कलर्स के बारे में सीख चुके हैं, इसके मास्टर हो गए हैं, इसको हमको ए टू जेड पता हो गया है कि इसका कैसे कहाँ यूज करते हैं। और आप इसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अच्छे से पता हो जाए कि इसका यूज़ कैसे कहाँ करते हैं, पेंटिंग कैसे बनाते हैं। तो अब हम सीखते हैं कुछ दूसरी चीज़ें। तो दोस्तों ये कोई भी सीखा टीचर जो सिखाएगा वो आपको शुरू से इधर से सिखाएगा, लेकिन मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ, मैं बीच में ही से इधर बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ड्राइंग बना के बता रहा हूँ। लेकिन कोई आएगा तो पहले सेव करना कैसे करते, ओपन कैसे करते वो सिखाएगा, तो मैं बाद में सीखूंगा वो, क्योंकि वो बेसिक से मेन चीज़ हम पहले सीखते हैं, बाकी चीज़ बाद में। तो हमने सीख लिया, अब उसके बाद हम देखते हैं कि ड्राइंग को सेव कैसे करते हैं। ठीक है, अब मान लें मैंने पेंटिंग बना भी ली, सब कंप्लीट हो गया, अब इसको सेव करना है। तो इसको सेव कैसे करेंगे, एक मिनट में हटा दूँ सब। मान लीजिए मैंने एक लोगो बनाया है, मैं लोगो बनाता हूँ मेरे नाम का, ठीक है। यहाँ से ऐसा इफेक्ट लेके वगैरह थोड़ा बीच में इसको रख देता हूँ, बीच में मैं नाम रख देता हूँ राज, टेक, सॉरी टेक कंपनी, एक हाथ से टाइपिंग कर रहा मैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट किया पूरे को, इसको एडजस्ट करके थोड़ा आगे ले आया मेरे हिसाब से, यहाँ से उठा के इसको बीच में किया, पूरे को सिलेक्ट किया। कलर कोई सा भी आपको जो भी अच्छा लगे वो कर सकते हैं, मैंने ब्लैक कर देता हूँ। और उसके बाद जैसे कलर हो गया, कलर होने जाने के बाद देखिए दोस्तों फाइल ऑप्शन पे जाइए, फाइल ऑप्शन पे जाने के बाद फाइल पे जैसे टिप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, न्यू, ओपन वगैरह। तो आपको क्या करना है, शो पे क्लिक करेंगे, जैसे शो पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल सेव हो गई। जैसे बॉक्स आए खुलेगा, अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है, बॉक्स खुला मतलब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपकी फाइल कहाँ सेव करना है। तो हमको फाइल सेव करना है यहाँ पे ऊपर देखिए एड्रेस बार में, हमारी फाइल कहाँ सेव होगी, हमारी फाइल सेव होगी फोटोशॉप के फोल्डर के अंदर, बैनर फोल्डर वहाँ पे। लेकिन मान लीजिए मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो डेस्कटॉप पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे किस नाम से सेव करना है, फाइल नेम, यहाँ पे फाइल नेम है मुझे मान लीजिए राज नाम से सेव करना है, ठीक है। कौन से फॉर्मेट में सेव करना है, तो यहाँ पे पीएनजी है, पीएनजी फॉर्मेट है जिसमें ओपन हो जाएगी पेंटिंग, बाकी तो नहीं होगी तो हम पीएनजी ही रहने देते हैं। सेव, जैसे सेव किया, सेव हो गई, अब यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको क्रॉस करके। तो देखिए दोस्तों ये डेस्कटॉप है हमारा, डेस्कटॉप पे ये नीचे राज नाम की फाइल आ चुकी है। अब जैसे आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो खुल जाएगी, तो पेंटिंग हमने बना चुकी है, हमारी पेंटिंग इसको देख सकते हैं। अब इसको वापस से एडिट करना है तो आपको क्या करना है, वापस वहाँ पेंट शॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इस पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे एडिट्स, एडिट्स पे क्लिक कीजिए, तो डायरेक्ट एडिट्स पे क्लिक करेंगे, एडिट पे तो पेंट में आ जाएंगे। और ये बड़ा आ रहा है तो आप इसको छोटा करने, घबराने की ज़रूरत नहीं, नीचे जाइए, इसको स्टेटस बार बोलते हैं, यहाँ से आप इधर 100% पे जो ऑप्शन है इसको छोटा करके मिनिमम, छोटा माइनस पे करेंगे तो छोटा होगा, प्लस पे करेंगे तो बड़ा होएगा हमारा पेंट पेज। तो यहाँ से छोटा छोटा बड़ा आपके हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ से डायरेक्टली ओपन करने का तरीका बताया, लेकिन अब पेंट शॉप में से मैं बताता हूँ। जैसे हम फिर से गए हमारे पेंट में, और यहाँ पे फाइल अभी कोई नहीं है, अभी फाइल यहाँ कुछ है ही नहीं, हमको वो वाले वापस खोलने पुराने वाले। तो हम गए फाइल में, और फाइल में जाने के बाद यहाँ पे जो सेव है अभी हमने सेव किया था, अब हमको ओपन पे जाना है। ओपन पे करने के बाद आपके सामने एक बॉक्स खुलेगा, अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि कौन सी फाइल ओपन करना है। तो वही टेक्निक है, यहाँ एड्रेस बार है, आपको जो भी एड्रेस लेना है जहाँ से भी आपको फाइल उठाना है वहाँ से उठा लीजिए। हमको डेस्कटॉप पे से उठाना है, कौन से उठाना है, ये उठाना है हमको, ये उठाना है राज उठाना है, राज को सिलेक्ट कीजिए, दो बार इसको डबल क्लिक कीजिए तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगी, नहीं तो फिर आपको एक बार सिलेक्ट करके ओपन कीजिए, ओपन करेंगे तो भी हो जाएगी, तो ये हमारी फाइल खुल गई। तो ये हमारा यहाँ से हम, और न्यू फाइल बनाना है मान लीजिए, इसको मुझे सेव नहीं करना है, इसको हटाना है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे न्यू फाइल चाहिए। तो यहाँ गए, मुझे न्यू पे क्लिक किया तो नया कोरा पेज चकाचक आ जाएगा आपके लिए। आप यहाँ से ड्राइंग बनाइए फटाफट जो भी बनाना है, तो ये न्यू ओपन, पहले से बनी हुई ओपन करना, यहाँ सेव। अब ये सेव एज क्या मामला है, सेव एज में दोस्तों कुछ नहीं है, ये बस बेसिक सी चीज़ है कि मान ले मैंने कोई चीज़ पेंटिंग बनाई, अब मेरे को उसको सेव करना है,
सेव कर दी, उसके बाद फिर डबल से उसके दूसरे दिन मैंने उसको एडिट करके और सेव करना है। और मैं चाहता हूँ कि पुरानी वाली जो मैंने बनी है उसमें कुछ चेंज ना हो, मेरे को एक ही चीज़ की दो कॉपी चाहिए, लेकिन ये वाली पुरानी और ये वाली नई, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आप इसकी कॉपी करोगे और पेस्ट करोगे तो इसी की कॉपी होगी, इसमें जो होगा वो उसमें आएगा, लेकिन एडिट में ऐसा है कि आप कोई सी पुरानी चीज़ सेव करके उसको एडिट करके नए तरीके से सेव कर सकते हो एक नई फाइल में। तो वही ऑप्शन है यहाँ पे सेव एज। अब इसका कैसे बताऊँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे ओपन की मैंने वो वाली एडिट, ठीक है। अब एडिट करने के बाद ये इसको थोड़ी एडिट कर देते हैं। मान लीजिए कलर इसको हम ब्लू कर देते हैं। हाँ, बकेट से कलर ब्लू कर दिया, ठीक है। कलर ब्लू करने के बाद अगर आप मैं इस पर सेव करूँगा तो जो हमारी डेस्कटॉप पे बनी हुई ये वाली, वही वाली सेव हो जाएगी, एडिट हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। मुझे वो नहीं करना, मुझे एक और नई बनाना है और उसको इस अलग नाम से सेव करना है। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं सेव एज पे, और किस फॉर्मेट में करना है वही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा, लेकिन हमको यहाँ कुछ नहीं सिलेक्ट करना, हमको सेव एज पे जाना है। और वही चीज़ फिर से यहाँ पे पूछ रहा नीचे, जो अभी ये वही चीज़ है जो अभी यहाँ से आपको पूछ रहा था, ये यहाँ पे जो आपको पूछ रहा है PNG में, JPEG में, BMP में, GIF में। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं नीचे भी पूछ रहा, PNG में, JPEG में, कौन सा फॉर्मेट। और वही आपको कहाँ सेव करना है, किस नाम से करना है, तो आपको राज नाम से करोगे तो यहाँ पे राज नाम से पहले से, इसलिए हम दूसरे नाम से कर देते हैं, राज डी नाम से कर देते हैं सेव। तो जैसे आपने सेव कर दिया, अब मैं बताता हूँ नीचे। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे दो फाइल आ चुकी है, एक राज नाम से, एक राज डी नाम से। तो ये पुरानी वाली है और ये अब नई बनाई वो वाले, कलर चेंज है। तो यही टेक्निक है। तो दोस्तों सेव एज का ऑप्शन है, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं आप। मान लीजिए पेंटिंग को, मेरे को प्रिंट, मेरे पास प्रिंटर लगा हुआ है तो मैं प्रिंटर यहाँ से दे सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ। कैसे प्रिंट करूँगा, जैसे गया मैं प्रिंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे पेज सेटअप प्रिंटर का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें कैसे क्या होता है, यहाँ से आप दे सकते हैं प्रिंटर। तो जैसे प्रिंटर पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं करना है हमको। उसके बाद स्कैन करना है, अगर आपको, अगर आपके पास स्कैनर लगा होगा तो ये ऑप्शन खुल जाएगा, बन हो खुल जाएगा। अभी मेरे पास स्कैनर नहीं है तो ये बन है, और प्रिंटर मेरे पास है तो चालू है, ठीक है। प्रिंटर नहीं होगा तो ये भी ऑफ रहेगा। अब किसी को मेल करना है तो यहाँ से डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। किसी डेस्कटॉप पे मेरे को बैकग्राउंड में सेव करना है, बैकग्राउंड में मतलब बोले तो यहाँ पीछे ही है, यहाँ लगाना है मेरे को, तो यहाँ से मैं लगा सकता हूँ वापस। जैसे डेस्कटॉप पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद जैसे क्लिक करूँगा तो मैं फाइल यहाँ पीछे आ गई, देखिए। तो ये टेक्निक है। अब यहाँ पे इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये अलग अलग आपको यूज करके देखना पड़ेंगे। अब मैं एक एक चीज़ नहीं बताऊँगा इतनी सारी, तो ये आप खुद यूज करके देखिए क्या होता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज से मतलब फाइल के साथ हमने कौन कौन से फाइल पहले बना चुके हैं, हमारी हिस्ट्री है। अभी हम पेंट में क्या क्या कर चुके हैं वो हमारी हिस्ट्री के बारे में, ये अबाउट पेंट, पेंट है सॉफ्टवेयर के बारे में। और यहाँ से एग्जिट, तो एग्जिट का ऑप्शन यहाँ भी ऊपर क्रॉस है साइड में, एक उधर कोने में, यहाँ पे मिनिमाइज है, ये मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, और ये क्रॉस का ऑप्शन। तो यहाँ से भी एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ से भी एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ से हम करेंगे तो भी बंद होगा, वहाँ से करेंगे तो भी बंद होगा। तो अभी बंद हो गया, फिर से खोलना पड़ेगा उसको। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में मैं पूरा इतना फाइल के बारे में मैंने पूरा समझा दिया है कि किस ऑप्शन से क्या होता है। आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे अच्छे अच्छी वीडियो बना सकूँ, और जब भी मैं नई वीडियो बनाऊँ तो आपको पता चल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं इतना ही, बस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।